दोस्तों व्हाट्सएप के अंदर में एक नया फीचर आया है जो है दोस्तों चैनल। आप देख सकते हैं कि पहले यहाँ पर दोस्तों स्टेटस का ऑप्शन दिखता था, लेकिन दोस्तों अब यहाँ पर देख सकते हैं कि अपडेट्स का ऑप्शन दिखाई दे रहा है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर जो स्टेटस के जगह पर अपडेट का फीचर आ गया है, इसमें जैसे कि पहले दोस्तों हम क्लिक करते थे तो दोस्तों यहाँ पर स्टेटस जो हम लगाते थे वह दिखता था, लेकिन जब अब हम यहाँ पर अपडेट्स पर अगर क्लिक कर रहे हैं तो अब यहाँ पर चैनल्स दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पर दोस्तों उन्हीं लोगों का चैनल दिख रहा है जो पॉपुलर पॉपुलर लोग हैं, हीरो हैं, हीरोइन हैं या बड़े से बड़े क्रिएटर हैं, उन्हीं का चैनल यहाँ पर दोस्तों देखने को मिल रहा है। वैसे में दोस्तों यह जो अपडेट है वह तो बहुत ही अच्छा है, लेकिन बहुत से लोगों को यह अपडेट जो है ना पसंद नहीं है। वह चाहते हैं कि मेरा पहले जो स्टेटस का ऑप्शन था ना वही दिखाई दे, हमें चैनल्स का ऑप्शन नहीं चाहिए। तो वैसे में दोस्तों अगर आप चाहते हो कि यहां पर जो अपडेट्स के जगह पर स्टेटस का ऑप्शन दिखाई दे पहले जैसा आपका व्हाट्सएप हो जाए, तो दोस्तों आप अपने व्हाट्सएप के अंदर में इस सेटिंग को कर कर यह काम कर सकते हो। जी हाँ दोस्तों, अगर आप पहले जैसा व्हाट्सएप अपना बनाना चाहते हो तो बहुत ही आसानी से बना सकते हैं। ऐसे में यह चैनल का ऑप्शन बहुत से लोगों को पसंद भी है और बहुत से लोगों को नहीं पसंद है। तो आज की इस वीडियो में हम आप लोगों को यही बताएंगे कि व्हाट्सएप के अंदर में जो चैनल्स का ऑप्शन है उसे हटाकर हम स्टेटस का ऑप्शन कैसे लाएं, यानी कि हम पुराना वाला व्हाट्सएप किस तरीके से कर दें। तो दोस्तों अगर आप भी चाहते हो कि आपका पुराना वाला व्हाट्सएप आ जाए, उसके लिए हमारी इस वीडियो के साथ बने रहना होगा, वीडियो को पूरा देखना होगा, और हमारी वीडियो पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लेना। तो वही दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। तो वही दोस्तों इस वीडियो में हम आप लोगों को बताते हैं कि किस तरीके से आप अपने व्हाट्सएप को पुराना वाला करेंगे। जैसे कि व्हाट्सएप पर जब आप क्लिक कर रहे हो, व्हाट्सएप कुछ इस प्रकार से है और अपडेट्स पर क्लिक करते ही यहाँ पर फाइंड चैनल यानी चैनल्स का ऑप्शन आ जा रहा है, स्टेटस का ऑप्शन नहीं आ रहा है। आप अपना पहले जैसा अगर व्हाट्सएप बनाना चाहते हैं तो उसके लिए दोस्तों आप लोगों को अपने व्हाट्सएप पर जाना है, व्हाट्सएप को क्लिक करना है। व्हाट्सएप को जैसे ओपन करेंगे व्हाट्सएप का इंटरफेस कुछ इस प्रकार से आपको दिख जाएगा। आपको यहाँ पर करना क्या है, यहाँ पे थ्री कॉर्नर में थ्री डॉट है, इस थ्री डॉट पर आपको क्लिक करना है। यहाँ पे सेटिंग है, इस सेटिंग पर आपको क्लिक करना है। सेटिंग पर क्लिक करते ही यहाँ पे चैट्स का ऑप्शन है, इस चैट्स पर आपको क्लिक करना है। जैसे चैट्स पर क्लिक करेंगे, इधर नीचे की ओर बढ़ेंगे, यहाँ पे चैट बैकअप का ऑप्शन दिखेगा, इसके ऊपर में आपको क्लिक कर देना है। अब दोस्तों जैसे इस पर क्लिक करोगे यहाँ पर गूगल अकाउंट का ऑप्शन आएगा, तो सबसे पहले आपको गूगल अकाउंट पर क्लिक करना है। आपके फ़ोन के जितने जीमेल होंगे वह सारे जीमेल आपको आ जाएंगे। यहाँ पर एक जीमेल को इस तरीके से सिलेक्ट कर लेना है। सिलेक्ट करने के बाद में अब आपको यहाँ पर क्या करना है, इस तरीके से आपको यहाँ पर आ जाएगा। यहाँ पे अलाउ पे आपको क्लिक कर देना है। अलाउ पे क्लिक करने के बाद में यहाँ बैकअप का ऑप्शन है, बस बैकअप पर क्लिक कर देना है। अब दोस्तों जैसे ही बैकअप पर क्लिक कर दोगे, व्हाट्सअप का जितना भी बैकअप होगा ना उस जीमेल पर सेंड कर दिया जाएगा। ठीक है, अब आपको यहाँ पर करना क्या है कि इस तरीके से बैक होना है। बैक होने के बाद में अपने व्हाट्सअप पर आना है, व्हाट्सअप को कुछ इस तरीके से दबा कर रखना है। ठीक है, व्हाट्सएप को कुछ इस तरीके से दबा कर रखना है। दबा कर रखने के बाद में यहां पर अपने व्हाट्सएप को अनइंस्टॉल यानी कि डिलीट कर देना है। ठीक ना, अपने व्हाट्सएप को आपको यहां से डिलीट कर देना है। जब आपका व्हाट्सएप डिलीट हो जाए, देख सकते हैं कि मेरा व्हाट्सएप डिलीट हो गया है। अब आपको क्या करना है, ध्यान से देखिए। अब आपको अपने फोन के क्रोम ब्राउजर पर चले जाना है। अब आपको अपने क्रोम ब्राउजर को ओपन करना है। क्रोम ब्राउजर जैसे ही ओपन करेंगे, क्रोम ब्राउजर कुछ इस प्रकार से ओपन होगा। यहाँ पे सर्च का ऑप्शन होगा, सर्च पर क्लिक करना है और आप लोगों को यहाँ पे टाइप करना है व्हाट्सअप वर्जन डाउनग्रेड। ठीक ना, यहाँ पे जो लिखा है ना व्हाट्सअप वर्जन डाउनग्रेड, इस पर लिख कर आपको सर्च कर देना है। अब दोस्तों जैसे ही इस पर लिख कर सर्च करोगे, यहाँ पर देखोगे कि आपको यहाँ पर ओल्ड वर्जन यानी व्हाट्सअप का ओल्ड वर्जन आपको यहाँ पर बहुत सारे यहाँ पर मिल जाएंगे। इनमें से जो भी आपको अच्छा लगे आपको यहां से एक ओल्ड वर्जन को इंस्टॉल कर लेना है। ठीक ना, तो मैं यहां से एक वर्जन को इंस्टॉल कर लेता हूं। जैसे कि यहां पे लिख रहा है वर्ल्ड वर्जन ऑफ व्हाट्सएप मैसेंजर एंड्रॉयड, तो इसको हम यहां से इंस्टॉल कर लेते हैं। आप भी इसको इंस्टॉल कर लेना। दोस्तों ओल्ड वर्जन को इंस्टॉल करने के लिए इस पर आपको क्लिक करना है। जैसे क्लिक करेंगे दोस्तों तो इस प्रकार का इंटरफेस आ जाएगा। अब आपको इस तरीके से आपको स्क्रॉल करेंगे, आप यहां पर देखेंगे कि डेट वाइज आपको यहां पर व्हाट्सएप दिखेगा, तो आपको कुछ नीचे इस तरीके से जाना है, सी मोर पर क्लिक करना है। और आपको यह अपडेट तो अभी नया है, तो आपको क्या करना है कि अगस्त महीने का
कोई एक पुराना वर्जन आपको इस तरीके से क्लिक कर कर आपको यहाँ पर डाउनलोड कर लेना है, ठीक ना। तो हम यहाँ से अपना पुराना वाला व्हाट्सएप को डाउनलोड कर लेते हैं। दोस्तों जैसे ही आप वहाँ से पुराना वाला वर्जन डाउनलोड कर लेंगे तो आपका व्हाट्सएप आपका आ जाएगा। आप अपने व्हाट्सएप को यहाँ पर ओपन करना, उसके बाद में अपनी लैंग्वेज को सिलेक्ट करना, यहाँ पर ओके करना, यहाँ पर एग्री एंड कंटिन्यू का ऑप्शन दिखेगा, इस पर क्लिक कर कर यहाँ पर अलाउ कर देना। अलाउ पर करने के बाद में जिस तरीके से आप अपने व्हाट्सएप को अपने मोबाइल नंबर डालकर ओटीपी द्वारा लॉगिन करते हो, उसी तरीके से सेम आपको यहाँ पर लॉगिन कर लेना है। तो मैं यहाँ पर अपने व्हाट्सएप को लॉगिन कर लेता हूँ। दोस्तों जैसे ही आप अपने व्हाट्सएप पर अकाउंट बना लोगे मोबाइल नंबर डालकर और अपने व्हाट्सएप को इस तरीके से जब ओपन करोगे, आपका व्हाट्सएप जब ओपन होगा तो दोस्तों देखोगे कि यहाँ पर पहले जो यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा था अपडेट्स का, अब यहाँ पर स्टेटस का ऑप्शन दिख रहा है और हम इस स्टेटस पर क्लिक करते हैं तो माई स्टेटस यहाँ पर शो हो जा रहा है। जो चैनल्स का ऑप्शन था वह हट गया। तो इस तरीके से दोस्तों अगर आप अपने चैनल्स के ऑप्शन को हटाना है तो इस तरीके से आप चैनल्स के ऑप्शन को हटा सकते हैं। लेकिन दोस्तों मेरे कहने का मतलब ये है कि अगर आप यहाँ पर न्यू वाला वर्जन को यूज करते हैं तो आपको चैनल्स का ऑप्शन दिखेगा। आप अपने खुद का भी चैनल बनाकर यहाँ पर दोस्तों अपनी खुद का रील, खुद की वीडियो को अपलोड कर सकते हैं, क्योंकि आने वाले समय में दोस्तों ये जो व्हाट्सएप ने ये चैनल्स निकाला है ना, वह चैनल्स बहुत ही ज़्यादा फेमस होने वाला है। तो अगर आपको अच्छा लगे तो आप फिर से न्यू वर्जन को डाउनलोड कर कर आप यहाँ पर चैनल्स भी बना सकते हो, और अगर आप नहीं बनाना चाहते हो तो इस तरीके से अपने पुराने वर्जन से स्टेटस यहाँ पर ला सकते हो। तो आज की इस वीडियो में हम आप लोगों को यही बता रहे थे। वीडियो हमारी पसंद आई थी और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लेना। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।